सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी जो है अपने छत के ऊपर एक अजनबी कबूतर आके बैठा हुआ है, तो मैंने जो है जल्दी से कुछ कबूतर बाहर निकाल दिए। और गाइस, सबसे पहले जल्दी से नीचे चलते हैं, क्योंकि भाई जो जिससे मैं पानी निकालता हूँ, जो जग है यहाँ पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको उठाते हैं और गाइस चलते हैं ऊपर, और जो पानी वाला बर्तन है उसके अंदर पानी डालते हैं। क्योंकि गाइस जो पट्टा है ना, जो अजनबी कबूतर अपने छत के ऊपर आके बैठा हुआ है, वो मेरे को प्यासा लग रहा है, तो अगर एक बार वो पानी देख लेगा तो मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से हम लोग उसको पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले जो है गाइस, हम लोग जो है पानी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। इसके अंदर भी पानी भी कम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो गाइस, ये रहा भाई चीकू कलर में गाइस जो है पट्टा है। और यहाँ पे जो है गाइस, सबसे पहले टाकी का ढक्कन मैं बंद करता हूँ, उसके बाद जो है ये देखो यहाँ पे डालते हैं पानी। थोड़ा सा गाइस पानी में दिखा के डाल रहा हूँ, जिससे कि कबूतर पानी देख ले और एकदम आराम से आ जाए और हम लोग इसको बड़े प्यार से पकड़ लें, ठीक है गाइस। बहुत ही प्यारा पट्टा है। और गाइस, जो मेरा कॉलेज है वो अभी भाई सुबह के टाइम पे होता है, इसके वजह से मेरे को जो है जल्दी उठ के सबसे पहले छत पे आना पड़ता है, फिर कबूतर को ट्रे में दाना डालना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, जिससे कि भाई अपने कबूतर एकदम खा पी लें, और फिर जो कबूतर बीमार हैं उनको भी जल्दी से हाथ से खिलाना पड़ता है, जिससे कि गाइस अगर मान लो मेरे को कॉलेज से आने में लेट भी हो जाता है, तो अपने कबूतरों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो भाई मतलब पूरा यहाँ पे छत का काम सुबह सुबह में आके निपटाना होता है, उसके बाद जल्दी से तैयार होके कॉलेज जाना पड़ता है, उसके बाद गाइस मैं कॉलेज से आता हूँ एकदम आराम से, उसके बाद मस्त खा पी के जो है एक बार मैं छत पे आता हूँ देखने के लिए कि भाई अपने सभी कबूतर बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। और गाइस आज भी सेम वैसा ही हुआ, मैं सुबह के समय दाना पानी डाल के चला गया था और एकदम आराम से खा पी के छत पे आया, तो देख रहा हूँ भाई एक अजनबी कबूतर जो पट्टा है अपने छत के ऊपर आके बैठा हुआ है। तो गाइस मैंने सोचा कि भाई अगर सभी कबूतर खोलेंगे तो अपने कबूतर उड़ना स्टार्ट कर देंगे और ये कबूतर भी शायद निकल जाए, तो उसी लिए गाइस मैं जो है कुछ गिने चुने कबूतर निकाला हूँ, ठीक है। और ये देखो गाइस, अभी जो है ये नीचे भी आ चुका है और यहाँ पे जो है मैं छत पे अकेला हूँ, तो सबसे पहले जो है कैमरा एक जगह पे सेट कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी प्रॉपर दिखते रहे, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा गाइस, एडजस्ट कर लेते हैं कैमरा। और ये देखो भाई, ये तो गाइस मतलब ये जो कालू है ना भाई, एकदम देख के भाई भागा दौड़ा आता है, ये नहीं कि भाई अपना इधर उधर घूमे खाए पिए मस्त रहे। इसको भी गाइस हम लोग सुबह में ही दाना पानी खिला देते हैं, लेकिन जैसे ही भाई ये बाहर निकलेगा ना, हमारे पीछे ही पड़ जाएगा एकदम से, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे तो पीछे पीछे लगा ही रहेगा, ठीक है। और गाइस देखो भाई, सामने गाइस बहुत ही प्यारा चीकू कलर में जो पट्टा है, आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये जो पट्टा है वो कैसा लग रहा है। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। थोड़ा सा कैमरा को इधर एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। और गाइस मैं इसको जो है बिल्कुल एकदम आराम से पकड़ लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं लॉफ्ट का दरवाज़ा खोल दूँ तो भाई ये बिल्कुल आराम से अंदर चला जाएगा, क्योंकि गाइस मुझे पता है जो पट्टे होते हैं ना, थोड़े से नासमझ होते हैं, जिस छत पर बैठ जाते हैं थोड़ा सा दाना पानी देख लेते हैं, तो भाई वो सोचते हैं कि अपना ही छत है। और ये देखो भाई, इस कालू को मैं दाना डालने के लिए जहाँ बैठ रहा हूँ वहाँ पे ये आ जा रहा, भाई थोड़ा सा तू रुक जा, उसके बाद तेरे साथ हम लोग खेलेंगे, दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये रहा पट्टा, मैं थोड़ा सा दाना डाल के इसको जो है बाहर ही पकड़ने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर लॉफ्ट के अंदर घुसाना चाहूँ तो एकदम आराम से चला तो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा कि लॉफ्ट जैसे ही खोलेंगे अपने जो कबूतर लॉफ्ट के अंदर है वो लोग जो है उड़ जाएंगे, और उस चक्कर में यह भी उड़ सकता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। थोड़ा सा इसको पानी दिखा देते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, और हम लोग गाइस दाना डाल के, मतलब दाना डालते डालते इसके नज़दीक पहुँचते हैं और इसको जो है पकड़ लेते हैं, ठीक है। रुक जाओ एक और बार जो है थोड़ा यहाँ पर गाइस इसको पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को गाइस पता नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा कि नहीं। अगर कोई मेरे साथ अभी छत पे होता कोई एक बंदा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन इस समय कोई छत पे है नहीं, थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है, तो मेरे को थोड़ा सा कैमरा बार बार सेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और वो देखो गाइस, वो रहा पट्टा, तो इसको एक बार यहाँ पर लगा देते हैं और गाइस इसको जो है यहीं पर पकड़ेंगे, रुक जाओ, क्योंकि ये जो है एकदम आराम से गाइस ये जो है खुद ही लॉफ्ट में जाने के लिए देख रहा है, लेकिन हम लोग को इसको बाहर ही पकड़ना है, क्योंकि भाई लॉफ्ट में जाने के चक्कर में क्या पता निकल जाए। और रुको गाइस, ये देखो वो रहा पट्टा, ठीक है, कैमरा को थोड़ा ऊपर किया और बस भाई अब जो है गाइस इसको पकड़ते हैं। वो देखो एकदम कोने में गाइस ये खाने में व्यस्त है, अब जो है इसको अचानक से पकड़ लिया है कबूतर को। गाइस अभी जो है आप देख सकते हो भाई, कबूतर मेरे हाथ में आ चुका है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं कबूतर, ठीक है। और गाइस ये आप देख सकते हो भाई, ये रहा पट्टा हम लोगों के हाथ में, ये देखो गाइस इसकी आँखों का शौक करो, वाइट आइस का पट्टा है, ठीक है, मोमिया चोच है। ये देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा शानदार पट्टा है, ठीक है। और इसके कुंदे भी आप देख लो गाइस, इसका पैटर्न देख रहे हो भाई, पूरा चीकू कलर में कबूतर है, काफ़ी ज़्यादा शानदार कबूतर है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा प्यारा कबूतर लग रहा है। ये देखो इस साइड का भी गाइस, अगर ऐसे पैटर्न देखना चाहो तो ऐसे भी देख लो,
कि पूरा लुक इसका कैसा है। मेरे को तो गाइस काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कबूतर आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, ये देखो। और गाइस दोनों साइड की जो इसकी आईज है वो भी जो है वाइट आईज का है, तो काफ़ी शानदार पट्ठा आया है। अब मुझे नहीं पता भाई किसका है किसका नहीं। मैं छत पे आके देखा तो भाई ये आके बैठा हुआ था, और सुबह के समय तो भाई मेरे कबूतर खुले भी नहीं होते, ये अकेला ही एकदम आराम से बैठा हुआ था। तो अपने कबूतर निकालें और इसको जो है बहुत ही आराम से आप लोगों के सामने ही पकड़ लिया है। ठीक है, और गाइस पंजे भी आप देख सकते हो, ठीक है, वाइट नाखून का कबूतर है ये देखो। सो गाइस अभी जो है मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा धूप में जो है इसका जो पैटर्न है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइस जो धूप में थोड़ा क्लियरिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही मिलता है, तो जो कलर है आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। ये देखो गाइस, इसको हमारे इधर जो है चीकू कलर बोलते हैं। अब आप लोग के इधर क्या बोला जाता है मुझे वो नहीं पता। ठीक है, ये देख लो गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्यारा पट्ठा है, काफ़ी ज़्यादा शानदार कबूतर है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसका जो पैटर्न है, जो कलर है, बहुत ही शानदार, और कबूतर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सो गाइस अभी जो है इसको लॉफ्ट के अंदर छोड़ देते हैं। इसकी जो है खड़ांग उड़ांग सब कुछ आप लोग देख लो, ये देखो भाई ये कबूतर। और गाइस देखो, मतलब ट्रे और सब कुछ लॉफ्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकाल देते हैं सबसे पहले। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैं सुबह में कबूतरों को दाना अंदर ही डाल के कॉलेज निकल जाता हूँ, और कॉलेज से आने के बाद एक बार छत पर आता हूँ कबूतर को देखने। तो आज आके देखा तो भाई ये कबूतर आके बैठा हुआ था छत पे। ठीक है, ये देखो गाइस, ये रहा भाई कबूतर, काफ़ी ज़्यादा प्यारा कबूतर है। ठीक है, सो गाइस अभी जो है जो पानी वाला बर्तन है वो अंदर रख देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये प्यासा होगा। रुको, ये जो पानी वाला बर्तन है ये रहा भाई, इसको जो है यहाँ पे रख देते हैं। अगर इसको पानी पीना होगा तो पानी भी ये लोग जो है आराम से अपना पी लेगा। और अभी गाइस हम लोग जो है दरवाज़ा बंद करके टेप लेके आते हैं, और टेप मार के कबूतर को बाहर निकाल देंगे। कबूतर भूखा होगा, दाना भी कर लेगा, पानी भी बाहर ही पी लेगा। ठीक है, अभी जो है मैंने कबूतर का पंख में टेप मार दिया है, और गाइस ये आप देख सकते हो, मतलब ये वाला छत पर टेप पड़ा हुआ था, तो यही टेप जो है इसके पंख में मार दिया है। ठीक है, ये देखो गाइस, देख रहे हो भाई, मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब गंडे उंडे बने हुए हैं, और जो गंडे हैं वह भी गाइस चीकू कलर में ही है। ठीक है, ये देखो, और पूंछ देखो गाइस, वह भी कितनी शानदार, मतलब काफ़ी ज़्यादा गाइस इसका जो कलर है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। ये देखो, देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा शानदार कबूतर है। और गाइस इसकी आँख में आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ धूप में, जिससे कि आप लोगों को क्लियर पता चल जाए, वाइट आइज का कबूतर है। ठीक है, ये देखो, और पंजे भी देख लो एक बार दोबारा से, ये देखो। ठीक है गाइस, कबूतर तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन भाई इसको रखा नहीं जाएगा, इसको सेल कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही है भाई, अपने पास उतना जगह है नहीं कि भाई कबूतर रखे जाएँ। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो भाई अपने को कबूतर सेल करना पड़ता है। नहीं तो भाई अगर जगह रहता तब तो भाई मैं कोई कबूतर सेल नहीं करता। और गाइस मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब अपने घर के पट्ठे तैयार हो, क्योंकि भाई उनका मज़ा एक अलग होता है। ठीक है, तो इसको गाइस सेल कर दिया जाएगा। पट्ठा काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग है, कुछ हटके है। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नया फिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आप लोगों को पता ही होगा जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो 40K सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो भाई जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है उसको भाई दिल से सैल्यूट। और गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो अब क्या बैड न्यूज़ है और क्या गुड न्यूज़ है वो तो आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलने ही वाला है। सो गाइस मिलते हैं फिर से अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।